हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ के वीडियो में हम SAARC के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इंग्लिश में इसे हम SAARC यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। आपसी सहयोग के लिए इस संगठन को बनाने का विचार ईयर 1980 में आया था। इसके बाद सात देशों के मंत्रियों और नेताओं के कुछ बैठकें और विचार विमर्श हुए, जिसमें सभी देशों ने इस संगठन को बनाने की मंजूरी दी, जिसके बाद बांग्लादेश के ढाका में 1985 में इसका निर्माण किया गया। स्थापना के समय SAARC के कुल सात सदस्य देश थे, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। लेकिन 2007 के शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया गया, जिससे कुल मिलाकर इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई। इसके अलावा इसमें कुछ पर्यवेक्षक देश भी शामिल है, यानी कि ऑब्जर्वर कंट्रीज, जिसमें चीनी जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशियस, म्यांमार, साउथ कोरिया, संयुक्त राज्य आदि शामिल हैं। अगर हम बात करें लेटेस्ट, जो कि 20वां SAARC शिखर सम्मेलन है, उसमें 8 SAARC देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की 20वीं बैठक है। 2020 का SAARC सम्मेलन इस्लामाबाद में होगा, यह भी फिक्स नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत की भूमिका SAARC के लिए क्यों अहम है। यहाँ पर जो स्टैट्स बताए जा रहे हैं वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, तो यू कैन गेट द अपडेट्स ईदर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर। तो भारत SAARC में न सिर्फ क्षेत्रफल व जनसंख्या के लिहाज से 70% हिस्सेदारी रखता है, बल्कि संगठन की अर्थव्यवस्था में भी उसकी भागीदारी 70% से ज़्यादा है। प्रेजेंट में हमारा अन्य SAARC देशों के साथ व्यापार $15 बिलियन यानी कि 1,002 अरब रुपए के बराबर है। इसमें से $17.5 बिलियन का निर्यात और आयात महज $2.5 बिलियन है। यह दक्षिण एशियाई देशों को भारत पर निर्भरता को दर्शाता है, क्योंकि इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट ज़्यादा है। वहीं अगर दूसरे देश के नज़रिए से देखें तो नेपाल और भूटान का 50% व्यापार तो सिर्फ इंडिया के साथ होता है। अब वीडियो के लास्ट में हम देख लेते हैं कि सहयोग के मामले में क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया का SAARC के लिए। चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव या नेपाल, आर्थिक रूप से भारत सभी का सहयोग करता है। यह सहयोग का ही उदाहरण है कि भूटान में हम ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वह हमसे पर्यटन, शिक्षा, निर्माण और उद्योग में भी और निवेश चाहता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको SAARC से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।